हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे मल्टीमीटर को मोबाइल रिपेयर के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये जो मल्टीमीटर है ये सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिजिटल मल्टीमीटर है। आज हम इसको यूज़ करना बताएंगे। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल ईशान मोबाइल गुरु को और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। आपको इस मल्टीमीटर में तीन होल दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो सबसे नीचे वाला है इसको कॉमन कहते हैं। इसमें हम ब्लैक प्रॉब लगाते हैं। अगर आप वोल्टेज ओम्स या मिली एम्पेयर चेक करते हो तो जैसा कि बीच वाले होल पर लिखा हुआ है जो आप देख सकते हो, तो इसमें हम रेड प्रॉब लगाते हैं। अगर आप 10 एम्पेयर चेक करते हो तो रेड प्रॉब आपको ऊपर वाले होल में रखना है, बाकी सब रेंज के लिए ऊपर वाला होल खाली ही रहता है। वैसे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ज़्यादातर वोल्टेज एसी 750 और वोल्टेज डीसी 20 और 20 बर्जर रेंज ही यूज होती हैं। अब हम ब्लैक प्रॉब को नीचे वाले होल में और रेड प्रॉब को बीच वाले होल में फिट करेंगे। अब हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे और रेगुलेटर को 750 वोल्टेज पर सेट करेंगे, क्योंकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसका वोल्टेज 200 के ऊपर यानी 220 से 250 तक रहता है। जैसा कि हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर में 235 से 240 के बीच में वोल्टेज शो हो रहा है। और अब हम मल्टीमीटर को 20 डीसी वोल्टेज की रेंज सेट करेंगे और मोबाइल की बैटरी चेक करेंगे। किसी भी मोबाइल की बैटरी, चाहे मोबाइल छोटा हो या बड़ा हो, 3.7 वोल्टेज या 3.8 वोल्टेज की होती है। जैसा कि हम रेड प्रोब को बैटरी के प्लस पॉइंट पर और ब्लैक प्रोब को निगेटिव पॉइंट पर लगा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो मल्टीमीटर में 3.7 वोल्टेज शो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये बैटरी ठीक है। बैटरी के वोल्टेज चार्ज होने पर 4.1 तक जा सकते हैं, और अगर 3.7 के नीचे वोल्टेज शो करेंगे तो बैटरी ख़राब भी हो सकती है। हम रेड प्रोब को ब्लैक प्रोब की जगह यानी उल्टा लगाएंगे तो मल्टीमीटर में माइनस का निशान दिखाई देगा, जिसका मतलब यह होगा कि हम बैटरी को उल्टी साइड से चेक कर रहे हैं। कोई भी मोबाइल की बैटरी 3.7 से 4 तक शो करेगी तो वह ठीक होगी। अगर हम 9 वोल्ट की बैटरी को मल्टीमीटर से चेक करेंगे, जो कि मल्टीमीटर और रेडियो वगैरह में यूज़ होती है, देखिए दोस्तों ये 8 और 9 के बीच में वोल्टेज शो कर रही है। इसका मतलब ये हुआ ये बैटरी तो ठीक है लेकिन डाउन यानी डिस्चार्ज हो चुकी है। ठीक इसी तरह से अब हम मोबाइल के चार्जर की सप्लाई मल्टीमीटर से चेक करेंगे, जो कि 5 वोल्ट के आसपास रहती है, क्योंकि कोई भी मोबाइल चार्ज
कोई भी मोबाइल चार्जर 5 DC वोल्टेज की सप्लाई ही देता है। लेकिन दोस्तों इस मोबाइल के सर्किट में एक और दो के बीच में रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये हुआ इस सर्किट की चार्जिंग पिन खराब है। अब हम आपको दूसरे मोबाइल के सर्किट में रीडिंग चेक करके दिखाते हैं। रेड प्रोब को चार्जिंग के पॉजिटिव और ब्लैक प्रोब को सर्किट के ग्राउंड में लगाएंगे। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं रीडिंग 5 के आसपास शो हो रही है, इसका मतलब ये हुआ इस सर्किट की चार्जिंग पिन ठीक से काम कर रही है। और अब हम मल्टीमीटर को बर्जर रेंज पर सेट करेंगे जो कि कंटिन्यूटी और शॉर्टिंग चेक करने के लिए यूज़ होती है। रेड प्रोब को हम सर्किट के ग्राउंड में लगाएंगे और ब्लैक प्रोब को हम बैटरी के पॉइंट पर लगाकर पॉजिटिव और निगेटिव सिरे का पता लगाएंगे। किसी भी मोबाइल में बैटरी की 3 पिन होती हैं, बीच वाली न्यूट्रल और पहली और आखिरी पॉजिटिव और निगेटिव होती हैं। जिस पिन पर रीडिंग आए वो पॉजिटिव और जिस पिन पर बीप आए वो निगेटिव होती है। और इसी तरह से रेड प्रोब को ग्राउंड में रखकर अब हम ब्लैक प्रोब को स्पीकर के दोनों पॉइंट पर बारी बारी से लगाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों पॉइंट पर रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये हुआ स्पीकर में सर्किट की सप्लाई बिल्कुल सही तरीके से आ रही है। अब हम इसी तरह से ईयर स्पीकर चेक करेंगे और यहाँ पर भी दोनों पॉइंट पर रीडिंग आ रही है। अगर ईयर स्पीकर के किसी एक पॉइंट पर रीडिंग नहीं आती तो इसका मतलब ये होता ईयर स्पीकर की सप्लाई सर्किट से कटी हुई है और ईयर स्पीकर काम नहीं करता। लेकिन हमारे सर्किट में दोनों सिरे पर रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ भी सब ठीक है। और इसी तरह से कीपैड या कोई भी सेक्शन चेक कर सकते हैं। आप कीपैड में भी देख सकते हो दोनों सिरे पर रीडिंग आ रही है, यानी यह भी ठीक है। अगर कोई मोबाइल शॉर्ट होता है तो रेड प्रोब को ग्राउंड में लगाने के बाद जब हम ब्लैक प्रोब को बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव सिरे पर लगाते हैं तो वहाँ पर रीडिंग नहीं शो होती है बल्कि बीप बजने लगती है। और निगेटिव तो होता ही, ग्राउंड है वहाँ पर तो बीप बजेगी ही। आप देख सकते हो यह सर्किट शॉर्ट हो चुका है, दोनों साइड पर बीप आ रही है। अब हम दूसरे सर्किट में चेक कर रहे हैं तो इसका एक सिरा रीडिंग बता रहा है, यानी यह सिरा पॉजिटिव है और दूसरा सिरा निगेटिव है क्योंकि यहां पर बीप आ रहा है। और यह जो दूसरा सर्किट है यह खराब हो चुका है, यानी शॉर्ट हो चुका है। कुल मिलाकर मोबाइल रिपेयर के लिए ज़्यादातर 20 DC वोल्टेज और बीप बर्जर रेंज ही काम आती है।
और ये जो ग्रीन बॉर्डर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप 200 ओम्स से लेकर 2000 किलो ओम्स तक के रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत कम यूज़ होता है। और ये जो NPN और PNP दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए रहता है, लेकिन इस मल्टीमीटर में ये काली है, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसी तरह से अगर मल्टीमीटर की बैटरी डाउन हो जाए तो आप इसको इस तरह से खोलकर बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसमें 9 वोल्ट बैटरी यूज़ होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।